दोस्तों बात करें तो जब से विंडोज 11 आया ना तब से मैक और पीसी कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। मतलब एक बात बताऊं, एप्पल वाले अपना M1 सिलिकॉन जब से लेके आया, एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर, तब से गेम बदला। वही बात करें तो आपका माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज 11 लाके कहानी बदल दी और लोगों को थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मतलब दोनों एक नए प्लेटफॉर्म थे अब आ चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि यार हम लोग कौन सा ले, पीसी ले कि मैक ले। तो यानी कि यार इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ एक डाउट आप लोगों के लिए कि विंडोज वर्सेस मैक में आप लोगों के लिए कौन सी चीज बेहतर हो सकती है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल और रियल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूंगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने विंडोज 11 के भी काफी सारे डिवाइसेस, गेमिंग थिन एंड लाइट लैपटॉप्स बहुत सारे टेस्ट करे, यहाँ तक कि मैकबुक्स भी मैंने मल्टीपल टेस्ट करे, M1 चेक किया, M1 प्रो को चेक किया, दोनों की परफॉर्मेंस जानता हूँ, तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो पहला कंपैरिजन इस यहाँ पे करने वाले हार्डवेयर का। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कोई कंप्यूटर लेते हो ना तो यहाँ पे सबसे पहले आप उसके हार्डवेयर के लिए पैसा देते हो, और हार्डवेयर में बात की जाए तो एप्पल वाले मैकओएस और हार्डवेयर का पैसा साथ में ले लेते हैं, वही विंडोज में आप हार्डवेयर देते हो और सॉफ्टवेयर एक चीज रहती है। लेकिन विंडोज और मैक दोनों में एक डिफरेंस ये है कि वहां पे एप्पल डिसाइड करता है कि आपको यूजर एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलना चाहिए, और बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वाली चीज उन्होंने डाल रखी है। उसके अंदर आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, ज्यादा चीज ऐड नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो चीज आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। विंडोज में चीज पॉसिबल है, अगर आप चाहे तो अपना खुद का पीसी बिल्ड कर सकते हैं, और पीसी बिल्ड ना करते एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपकी मनचाही कॉन्फ़िगरेशन का भी लैपटॉप देखने को मिल सकता है मार्केट में, और भी ढेर सारे फॉर्म फैक्टर्स अवेलेबल है। किसी को डिजाइनिंग करनी है, टच स्क्रीन अवेलेबल रहता है, किसी को स्टाइलस चाहिए, विंडोज के अंदर वो चीज अवेलेबल है। काफी सारे ऐसे यूटिलाइजेशन वाले ऑप्शन है जो यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि हार्डवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए तो यहाँ पे आपको विंडोज में देखने को मिलती है। और खास बात है कि सस्ते से सस्ते में महंगे से महंगे तक हर जगह विंडोज अवेलेबल है। लेकिन वहीं एप्पल पता है कहाँ आगे निकला है? एप्पल अपनी रिफाइनमेंट के कारण आगे निकल रहा है। एप्पल के प्रोडक्ट में फिनिश देखने को मिलती है, रिफाइनमेंट होता है, महंगा होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन किसी की अगर जरूरत फुलफिल अगर एप्पल का हार्डवेयर कर रहा है, फिर देखा तो एप्पल के हार्डवेयर के नजदीक विंडोज यहां पर नहीं आ पाता। कुछ इंटेल और AMD के नए प्रोसेसर्स ने कैचअप करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, अकेले प्रोसेसर से भी कुछ नहीं होता, सारी चीजों का बैलेंस होना जरूरी है, और वो बैलेंस कई बार आपको एप्पल में देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे यूजर की रिक्वायरमेंट रहती है, अगर उसका काम मैक से चल रहा है तो उसके लिए मैक हार्डवेयर बेस्ट है, लेकिन अगर उसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए यार विंडोज उसके लिए सबसे क्लियर ऑप्शन हो जाता है। और शायद यही एक रीजन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दुनिया के 74% कंप्यूटर्स में पाया जाता है एज ऑफ अप्रैल 2022। उसमें से लगभग 15% लोग यहां पे विंडोज 11 को यहां पे यूज करते हैं, ये भी फैक्ट है। और मैक ओएस का टोटल मार्केट शेयर ही सिर्फ 15% होता है यहां पे। खैर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो सस्ता पड़ता है, उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मल्टीपल ब्रांड्स है, वैरायटी ज्यादा है, बिल्कुल एंड्रॉइड और iOS का खेल है। अब यहां पर एक सवाल आता है, कोई भी आदमी अगर एक पीसी ले रहा है, मैक ले रहा है, यार उसके हार्डवेयर उसके सॉफ्टवेयर को ज्यादा यूज नहीं करेगा, वो यहां पे क्या यूज करेगा? अंदर मिलने वाले सॉफ्टवेयर, और उनकी भी दो कैटेगरी है यहां पे, वो होती है फर्स्ट पार्टी एप्स। देखो फर्स्ट पार्टी एप्स वो होती है जिसे कंपनी यहां पे खुद बनाती है। एग्जांपल लो, विंडोज यहां पे अपना खुद का ऑफिस बनाती है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कितना पॉपुलर है, लगभग हर कोई उसका यूज करता है, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, यार अलग अलग चीजों में उसका यूज किया जाता है। और वही बात करें, मैक भी अपने काफी सारे फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर बनाता है, और उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है फाइनल कट प्रो, और देखा जाए तो उसके कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं गराज बैंड जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर जिनका यहां पे प्रोफेशनल्स यहां पे यूज करते हैं। वही माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा वर्किंग स्टाइल के अंदर है। अब माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर देखा जाए तो ऐसे बनाया जाता है कि हर कंप्यूटर में चले, इसलिए देखा जाए तो वहां पे ज्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। लेकिन वही अगर हम बात करें मैक कंप्यूटर की, तो मैक के अंदर जो फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हैवीली ऑप्टिमाइज्ड, हैवीली मतलब इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड। अगर आपको एप्पल के बनाए हुए ही सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको मैक लेना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कंपैटिबिलिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस ऐसी मिलेगी जो आपको कोई दूसरा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं दे पाएगा, या फिर विंडोज में अगर अल्टरनेटिव ढूंढने जाओगे ना वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर एप्पल अगर कोई ले रहा है, और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर वो एप्पल का ही सॉफ्टवेयर यूज करना है, उसके अंदर एप्पल का ही मैक ओएस डाला हुआ है, उसके अंदर एप्पल का ही हार्डवेयर डाला हुआ है, उन सब लोगों के लिए यहां पे देखा तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एप्पल का मैक ही हो जाता है, क्योंकि वहां पे सारी चीजों का जो इंटीग्रेशन है वो है। लेकिन वही कहानी में 180 डिग्री टर्न आ जाता है, और वो आता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में। देखो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की कहानी मैं बताता हूँ क्या, यहाँ पे विंडोज और मैक वेस दोनों के अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैक ने अब ऐसा कर रखा है कि अब आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ज्यादा से ज्यादा मैक स्टोर से डाउनलोड करने लगे और काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा लिए। लेकिन वही बात करें विंडोज में देखा तो विंडोज स्टोर है, लेकिन वहां पे उसका कोई यूज करता नहीं, क्योंकि
थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आज भी विंडोज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, और देखा तो कंपैटिबिलिटी भी उनकी बेटर रहती है और बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है। इवन काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं जहाँ पे विंडोज़ के अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बेटर वर्क कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकओएस। मैकओएस में ऑप्टिमाइजेशन लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार इंटेल के प्रोसेसर एएमडी के प्रोसेसर पे बेटर परफॉर्मेंस निकलती है। और कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अगर आप एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो और वो सॉफ्टवेयर अगर आपका विंडोज़ में अवेलेबल है तो आपको विंडोज़ में जाना पड़ेगा, अगर मैकओएस में अवेलेबल है तो आपको मैकओएस में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों जगह अवेलेबल है तो आप ये देखिए कहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर सस्ते में विंडोज़ के अंदर ही सारे काम अगर हो रहे हैं तो महंगे मैक लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लिटरली ये बात बता रहा हूँ। तो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रेस में विंडोज हमेशा आगे निकलेगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा है और आपको कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको देखा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैक ओएस में हो सकता है कि आपको अल्टरनेटिव्स भी ना मिले, और कोई काम अगर आपका सिर्फ विंडोज के अंदर चलता है तो वहां पे चलता रहेगा। और ये बात यहाँ पे सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग बिना कुछ जाने एक मैक कंप्यूटर ले लेते हैं, यानी कि एप्पल का मैकबुक वगैरह ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें तब आती जब उनके काफी सारे सॉफ्टवेयर वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, दिक्कत आती है। ये एक चीज है, और ऐसे ही कनेक्टिविटी की दिक्कत है। जैसे की बात की जाए एंड्रॉइड फोन या पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव से डेटा शेयर करना विंडोज में कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, लेकिन वही बात करें मैक से अगर आपको किसको डेटा विंडोज में देना है वो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि अभी भी ऑफिशियल रूप से NTFS हार्ड ड्राइव को राइट करने का सपोर्ट मैक ओएस में अवेलेबल नहीं है। ऐसे कुछ कुछ चीजें उन्होंने एप्पल ने डाल रखी अपने इकोसिस्टम में बांधने के लिए, जिन्हें वो आसान तरीके से हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ पे इस टाइप की कुछ दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है कई बार मैक में। तो कहने का मतलब है कि आपके और आपके दोस्तों के पास अगर सबके पास विंडोज है तो विंडोज इज द बेस्ट, लेकिन आप और आपके दोस्त पास मैक है तो मैक इज द बेस्ट, क्योंकि आपस में जो इकोसिस्टम जो कनेक्टिविटी रहती है वो काफी रहती है। और अगर मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो इकोसिस्टम में भी सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है कि अगर आप यहाँ पे आईफोन यूजर हो और बाकी सारी चीजें अगर एप्पल की यूज करते हो, आपके लिए मैक से बेटर चीज हो ही नहीं सकती। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी देखने मिलती है, डेटा शेयर अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये चीज विंडोज से अभी भी मिसिंग है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सैमसंग के साथ मिलकर इन्होंने अपना खुद का इकोसिस्टम जैसा बनाने की कोशिश करती है, जैसे मोबाइल का डेटा स्क्रीन पे आ जाए, मोबाइल से आसान तरीके से आप शेयर कर लो। यहां पर देखा तो गैलेक्सी के जो बर्ड्स आते हैं उनके साथ भी सिमिलर चीज करने की कोशिश करी, कंसेप्ट काफी अच्छा था, लेकिन ये जो इकोसिस्टम रहता ना ये अभी भी उतना स्मूथ नहीं है जितना आपका यहाँ पे एप्पल के मैक में देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कि कंपैटिबिलिटी अगर मैं देखूँ, अगर आप एप्पल के डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो उसकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी मैक में रहेगी, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड साइट के अंदर हो तो वहां पे बेस्ट पॉसिबल कंपैटिबिलिटी आपको विंडोज में। और वही बात करें गेमिंग में तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे विंडोज इज स्टिल अ किंग। एप्पल ने अपने मैक ओएस में आर्केड गेम अलग अलग चीजें ट्राई करी, लेकिन आज भी विंडोज के अंदर आपको ट्रिपल ए गेम्स देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा सपोर्ट है। एपिक गेम्स जैसी कंपनी जो है वो वहां पे फ्री में आपको ट्रिपल ए गेम बांटती है हर महीने। यहां तक की बात है तो अगर आप किसको फ्री में भी गेमिंग करनी है तो बहुत अच्छे अच्छे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये बात यहाँ पे बहुत जबरदस्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि किसी को अगर गेमिंग वगैरह यहाँ पे करनी है उसके लिए विंडोज इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। यहाँ पे हार्डवेयर की चॉइसेस अच्छी है, RTX में गेमिंग कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि गेम में खेल रहा हूँ इसके अंदर दिक्कत अगर मेरे को आ रही है तो आप उसका हार्डवेयर यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो और बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। ये चीज अभी भी देखा तो मैक के पास नहीं है। मैक बुक में अगर आपने ले लिया उसके अंदर आपको वो मॉड्यूलरिटी देखने को नहीं मिलती कि कभी कोई दिक्कत दे रहा है हार्डवेयर में, कभी बॉटल लॉक आ गया तो आप सोच रहे हो कि ग्राफिक कार्ड में अपग्रेड कर लेता हूँ, वो चीज़ नहीं कर पाओगे, जबकि आप विंडोज़ के अंदर ये चीज़ें कर सकते हो। और नंबर ऑफ गेम्स और काफ़ी सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ ही बात करें कुछ दूसरी चीज़ों की, जैसे अपडेट्स की। देखो पहले क्या होता था कि मैक ओएस हर साल अपडेट होता है और अभी भी अपडेट होता है। विंडोज़ में विंडोज 10 आया तो काफ़ी लंबे समय तक पता ही नहीं कि विंडोज 10 का अगला वर्जन आएगा, लेकिन फिर वो आउट ऑफ द ब्लू यहाँ पे विंडोज 11 ले आया। लेकिन इसके बाद विंडोज 12 का भी रूमर चल रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहे हैं कि हर एक साल के बाद नया विंडोज नहीं लाती, लेकिन हर 6 महीने में एक ऐसा अपडेट लेके आती है जिसके अंदर रिफाइनमेंट्स होती है, नए फीचर्स ऐड होते हैं और लोगों को नई चीजें देखने मिलती है। और ये बात माइक्रोसॉफ्ट की पसंद है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में इश्यूज आते हैं क्योंकि वो बहुत सारे हार्डवेयर पे चलता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर फीचर सेट नई नई चीजें इंक्लूड होती चली आती है। एप्पल का मैक देखा तो कुछ नई चीजें हर साल लेके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रिवोल्यूशनरी लेकर नहीं आते, जबकि विंडोज जब नया वर्जन लेके आता है 10 के बाद 11 आए तो लगता है कि आप कुछ नया यहाँ यूज कर रहे हो। और इवन जो नए अपडेट है विंडोज 11 के उसके अंदर भी नई चीजें आपको देखने को मिलती है। यहां तक की बात की जाए तो
विंडोज में हमने कभी सोचा नहीं था कि एंड्रॉइड एप्स का सपोर्ट आएगा, पर वो चीज यहाँ पे आप कर पा रहे हैं। किसी को लिनक्स यूज करना है तो लिनक्स की कमांड्स तक का सपोर्ट आ गया। और विंडोज में एक और खास बात है कि अगर आपका पीसी कंपेटेबल है तो यहाँ पे आपको फ्री अपग्रेड्स भी देखने होते हैं। विंडोज 8 और 8.1 के यूजर को यहाँ पे विंडोज 10 मिला, फिर विंडोज 10 के यूजर्स को विंडोज 11 भी मिल गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आपका पीसी अगर कंपेटेबल है तो उसको अपडेट यहाँ पे जरूर मिलता है, और ये चीज यहाँ पे सोचना जरूरी है। मतलब यहाँ पर यह कि अपडेट यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो तो काफी हद तक विंडोज इंप्रूव हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि मैक ओएस में स्मूथनेस वगैरह देखने को होती है, और विंडोज में भी अच्छी चीजें देखने होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है अगर आपका हार्डवेयर पावरफुल है, एक अच्छा एक्सपीरियंस देखा, अगर आपने हार्ड ड्राइव लगा दी, रैम कम रखी, तो उसके अंदर एक्सपीरियंस उतना खास देखने को मिलेगा नहीं। और यही मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि एग्जैक्टली हम मैक ओएस विंडोज को कंपेयर करते हैं, लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा एडवांस है और दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और आप लोग को यहां पर यह देखना है कि आप लोग की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप लोगों को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से रिलाई करने हैं, बहुत सारी चीजें साइड लोड करनी है, गेम्स खेलने हैं, पीसी बिल्ड करना है, उसके अंदर अपग्रेड चाहिए, या फिर ज्यादा बजट जा नहीं सकता, विंडोज इज द बेस्ट ऑप्शन। विंडोज के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन हर साल माइक्रोसॉफ्ट उसे इंप्रूव कर रही है। और विंडोज के नजदीक देखा जाए तो मैं क्रोम ओएस को भी नहीं मानता, और शायद यही एक रीजन है कि 74% दुनिया में पीसी अभी भी विंडोज पे रन कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें मैक ओएस में, एप्पल के हार्डवेयर पे हो, एप्पल का इकोसिस्टम यूज करते हो, एप्पल के ही सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, शॉर्ट बात ये, दिन भर आपको एप्पल के अंदर ही रहना है ना, मैक ओएस इज द बेस्ट। लेकिन उससे बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी काफी अच्छी चीज है, जहां पे आपको सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप देखने होगा, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी, डिस्प्ले अच्छा होगा, बैटरी अच्छी होगी, और आप है ना टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हो कि यहाँ पे एप्पल है, सारी चीजें काम करेंगी और मुझे बाहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो एप्पल है वो यहाँ पे काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। खैर दोनों चीजें हमने यूज करी उसके बाद आपको बता रहा हूं, दोनों चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर मेरे को दोनों में से चूज करना हो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा एक विनर चूज कर पाना, लेकिन फिर भी मैं देखा जाए तो बराबरी रखना चाहूंगा कि कुछ लोगों के लिए विंडोज बहुत ही जबरदस्त है और कुछ लोगों के लिए मैक ओएस जबरदस्त है। ये आंसर डिपेंड करता है कि आप लोग की रिक्वायरमेंट क्या है। बाय द वे आप लोग किसकी साइड हो, विंडोज या मैक की साइड, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना आप लोग। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में, गुड बाय।